नरकटियागंज स्टेशन से चार दिशा में गाड़ी जाती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। स्टेशन काफ़ी बदलाव आ गया है, बहुत सारे काम हो गया है। जो हम लोग जाया करता था आज से 5 साल पहले, उससे ज़्यादा बदलाव है। हमारा नरकटियागंज सिटी है, ये ट्रेन आई है अभी, इस ट्रेन आके लगी है, उसी का ये पैसेंजर आ रहा है, देखिए है। पहले यहाँ पे ओवरब्रिज नहीं था, अब ये नया ओवरब्रिज बना है, अभी काम भी चल रहा है। ये आप देखिए पूरे सामान आपको दिखना मिलेगा, टेलर भी खड़ा है। ये इस साइड में देखिए अभी उतना अच्छा नहीं है, मतलब कि पब्लिक नाला टप के उस साइड में जाता है, ऐसे जो है मेन रोड से नहीं आता है। एक आती है तो दूसरे जाती है, काफ़ी बड़ा हो गया है, ट्रेन रवाना हो गया, इसका टाइम हो गया, अभी जाने का इसका टाइम हो गया, जा रहे हैं अपने निर्धारित समय पे। ये जो ट्रेन अभी रवाना हुई है, ये सत्याग्रह एक्सप्रेस है, आनंद विहार से ये रक्सौल तक जाती है। ये अपने करेक्ट टाइम पे चल रही है, बिल्कुल सही टाइम पे है, ये ट्रेन लेट नहीं है, क्योंकि अभी ठंडी का दिन नहीं है, इसलिए ये अभी लेट नहीं है, ये अपना टाइम पे चल रही है। इसमें तो ये नरकटियागंज ब्रिज न्यू ब्रिज है, ये जो एक साइड में लौरिया जाता है, एक साइड नरकटियागंज में जाता है। यहाँ पब्लिक पार्किंग के लिए अपने बाइक खड़ा कर सकते हैं, ये यहाँ पे हाल भी नहीं होता है, ये जो आएगी उसका लाइन क्लियर मिलेगा, वो चली जाएगी, यहाँ पे उसका कोई स्टॉपेज नहीं रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि बीच सेंटर में फर्स्ट एसी सेकेंड एसी का बोगी होता है, आप देखिए इसका विंडोज दूसरे टाइप का होता है। अभी तक का आप वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए